स्टेट विद द हेल्प ऑफ सर्कल डायग्राम द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है पी क्यू 100 माइनस है ये हो गया, और चलाने के लिए सेल, ये डायग्राम पूरा बन गया इसका। ठीक है, द मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। विच इज इनवर्ट कॉमस ओपन इफ आई जी इज जीरो देन पी बाई क्यू इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, छोटा आर एल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, वेर आर इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, मतलब हम रेजिस्टेंस हमने रखना चाहते हैं ना, 1 सेंटीमीटर पे आर सेंट 1 सेंटीमीटर पे एल रेजिस्टेंस, सॉरी आर रेजिस्टेंस है तो एल सेंटीमीटर पे कितनी होगी एल आर, और वो एक रेजिस्टेंस होगी, तो वो रख दिया, फिर कैंसिल करके हम बोल सकते हैं पी बाई क्यू इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आगे सेकंड पार्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर यू यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग अननोन रेजिस्टेंस, हमने कर लिया, लिख देते हैं लाइन आगे, लेट द अननोन रेजिस्टेंस बी पी, देन पी इज इक्वल्स टू क्यू एल अपॉन 100 माइनस एल, ऐसे कर लिया, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ए वॉट हैपन्स इफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट, नो इफेक्ट द बैलेंस पॉइंट रिमेन्स सेम। ठीक है, वाई द मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट एट द मिड पॉइंट ऑफ वायर, प्रूव दैट द मिड पॉइंट इज द मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट। ये प्रूफ कैसे करें, लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रूफ दैट मिड पॉइंट इज द मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट। तो हमने इक्वेशन जो लिखी पी बाय क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप चाहो तो अभी मैं क्यू को ना मान के मैं चाहे डायरेक्ट क्यू यहां अप्लाई कर दूं, मैं पी अननोन मानता हूं, लेट पी बी द अननोन रेजिस्टेंस, इतना लिख दीजिए। अब देखिए आप क्या करें, आप क्यू भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ भी ले लो लॉग, मैं बोथ साइड लॉग लगा रहा हूं, बोथ साइड, यहां एक स्टेप लिख देता हूं लॉग पी बाई क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो यहां के बाद क्या जाएगा लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज लॉग 100 माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस। अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, जो चीज बदलती है इसमें एल बदल सकता है ना, तो एल के रिस्पेक्ट में करूंगा बोथ साइड, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू अ चेंजिंग वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एल, सो डी बाई डी एल ऑफ पी लॉग पी माइनस डी बाई डी एल ऑफ लॉग क्यू इक्वल्स टू डी बाई डी एल ऑफ लॉग एल माइनस डी बाई डी एल ऑफ लॉग 100 माइनस एल। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग का क्या होता है 1 बाय, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, पर क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो वी हैव टू राइट डी पी बाय डी एल, ये तो नोन है ना, ये कॉन्स्टेंट हो गया 0, लॉग एल का क्या हुआ 1 बाय एल, अगर डिफरेंट होते लेटर्स तो हम वो लिखते, जैसे यहां लिख रहे हैं 100 माइनस एल का भी नीचे आ जाएगा 100 माइनस एल, और माइनस एल का होगा -1, दैट इज इट, सो वी गॉट डी पी बाई पी
इंटू वन बाय डी एल ऐसे लिख सकते हैं, और ये वन बाय एल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड माइनस एल। ना अगर मैं डीपी बाई पी को इधर रखे रहूं और इसका एलसीएम ले लूं हंड्रेड माइनस एल प्लस एल अपॉन एल इंटू हंड्रेड माइनस एल इंटू डी एल, ये मैं ऐसे कर लूं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ग्यारहवीं क्लास में आपको कुछ तो याद होगा कि आपको याद होगा डेल्टा ए बाई ए क्या था, रिलेटिव एरर है ना, एक तरह से एरर थी। अब गुणा कर दोगे 100 से तो परसेंटेज एरर हो जाएगी और अगर आप पी को यहां भेज दोगे तो भी एरर ही रहेगा ना। अगर आप डीपी इक्वल्स टू लिख देते हो 100, ये तो कैंसिल हो गया 100 अपॉन एल 100 माइनस एल इंटू पी डी एल, ठीक है, तो भी ये एरर तो है ना। अब अगर आप चाहते हो कि एरर आपकी मिनिमम हो, आपकी एरर मिनिमम हो, तो आप चाहोगे कि आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सो फॉर एरर टू बी मिनिमम डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम, है ना। तो यानी कि मैक्सिमाइज करने के, सबको पता बारहवीं क्लास में सब आ गए, क्या करना पड़ता है मैक्सिमाइज करने के लिए, डिफरेंशिएट करके जीरो, तो डी बाय डी एल ऑफ डिनोमिनेटर को हम जीरो कर देंगे, यानी कि डी बाय डी एल ऑफ 100L माइनस L स्क्वायर को जीरो कर दिया। करो डिफरेंशिएट, कितना 100L का 100 हो जाएगा और L स्क्वायर का 12 इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा 50। अगर आपने 100 की जगह कैपिटल L लिया होता, X लिया होता, तो X बाय 2 आता। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, डिफरेंशिएट करके हमने जब जीरो किया तो हमें L 50 आ गया आधा। तो हमने पूरे एनालिसिस जो करी, इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी एनालिसिस है, कोई वाई वाई पूछेगा आप बोल सकते हैं सर डिफरेंशिएट करके ऐसे निकाला जा सकता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। सो दैट इज हाउ यू प्रूव दैट 50 सेंटीमीटर पे आपका मीटर विच बेस्ट आंसर दे सकता है, एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने। अब